हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर साहिब। और एनवायरमेंटल स्टडीज की सीरीज में आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये जो टॉपिक है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा भी क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल रनिंग स्टेट में है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चल रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया है, आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी इस प्रोजेक्ट की, और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को जब से अप्लाई किया गया है तब से अब तक इससे क्या क्या आउटकम आए हैं और आगे फ्यूचर में हम इसका क्या स्कोप देख सकते हैं, ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो इससे रिलेटेड हैं, जो कुछ भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू नो एवरीथिंग अबाउट सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जिसकी नींव 2 अक्टूबर 2017 यानी 2 अक्टूबर 2017 को रखी गई। ये प्रोजेक्ट 6 ईयर्स का ड्यूरेशन लेकर स्टार्ट किया गया, यानी कि 2000 में शुरू किया गया, ये प्रोजेक्ट 2023 तक चलेगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में है। आइए जानने की कोशिश करते हैं सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट क्यों बना, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले अगर इसके नाम पर हम फोकस करें तो इसके नाम में मेंशन है सिक्योर हिमालय, यानी हिमालयन रेंजेस को सिक्योर करने के लिए, टू कवर द हाई हिमालयन रेंजेस, टू कवर, टू प्रोटेक्ट, टू सिक्योर हिमालयन इकोसिस्टम विच इज स्प्रेड ओवर सो मेनी स्टेट्स। तो इस तरह से सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी हिमालयन इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, वहां की जमीन और जो कुछ भी वन संसाधन वहां पर मौजूद हैं उनका कंजर्वेशन करने के लिए इस प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस हुई और फिर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। आइए अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, आखिर किसके कॉन्ट्रीब्यूशन से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उस समय 2017 में जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री थे, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी। भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इसका आरंभ हुआ। इसके अंदर 4 मेन स्टेट्स को लिया गया जो कि हिमालयी क्षेत्र में आते हैं और जो सबसे ज्यादा हिमालयन रेंजेस को कवर करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं कि वो कौन कौन से 4 राज्य हैं जिनके हिमालयन रेंजेस को इसमें शामिल किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, पहला स्टेट जो कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड में गंगोत्री गोविंद से लेके दारमा व्यास घाटी तक, जो कि पिथौरागढ़ में है, इस एरिया को उत्तराखंड में लिया गया जो कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इस एरिया में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले जो भी एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट पर वर्क किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, 2nd नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति वैली जो है, और किन्नौर, ये एरियाज लिए गए जो कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। और फिलहाल भी ये प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में है तो वो चल रहा है। तीसरा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की चांगथांग वैली और इसके साथ ही चांगथांग वैली को लिया गया। चांगथांग वैली जम्मू कश्मीर की सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के अंडर में प्रोसेसिंग में है। 4th स्टेट जो है वो है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा और अपर तीस्टा वैली को शामिल किया गया और ये वो एरिया है जो हिमालयन रेंजेस में सबसे ज्यादा सिक्किम एरिया में आता है। इस तरह से ये वो 4 स्टेट हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, जो कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इन स्टेट्स में अप्लाई किया गया, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य क्या था। सबसे पहला, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैव विविधता का संरक्षण, यानी हिमालयन इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए इस हिमालयन प्रोजेक्ट की जरूरत हमें पड़ी। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है हिम तेंदुओं की तस्करी और शिकार पर रोक लगाना। स्नो लेपर्ड और अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनको होल्ड करने के लिए और उनकी तस्करी और उनके शिकार पर रोक लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इको टूरिज्म, जड़ी बूटियां,
और फ्रूट्स का जो है वहाँ पे फलों का जो उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए भी इस प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी। आइए लास्ट में बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए 83,78,880 रुपीज, जो कि ये अमाउंट डॉलर में है, 83,78,880 डॉलर अमाउंट इस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया। तो इसी के साथ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस करी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।